जय हिंद दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर्मी लवर 01 पे। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों से माफी चाहूंगा मैं, क्योंकि मैं कुछ दिन से रेगुलर नहीं था यूट्यूब पे, लेकिन अब हमारी वीडियोस रेगुलर आएंगी। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उस वजह से नहीं आ पा रही थी, और आज हम बहुत ही स्पेशल और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। लेकिन आपने बहुत सारी कमेंट कर करके मुझे परेशान कर दिया, और हमारी दो वीडियोस ऑलरेडी बना रखी थी, उस पर बहुत सारा प्यार दिया बंदों ने, लाखों में हमारे उस वीडियोस पे व्यूज आए, 5 लाख 6 लाख से ऊपर गए व्यूज, और हजारों की तादाद में उसमें कमेंट आए थे। टॉपिक था हाइट का, ठीक है, हाइट ग्रो, और दूसरी चीज मसल्स ग्रो, मतलब कि आप वजन क्यों नहीं बढ़ता है। तो आज ये दो टॉपिक मैं सिर्फ एक ही, कहते हैं ना कि एक तीर से दो निशाने, ठीक है, तो मैं एक ट्रिक बताऊंगा, एक ही टिप्स बताऊंगा इसके लिए, और ये आपको दोनों चीजें सॉल्व हो जाएंगी। मतलब कि एक तो आपकी हाइट और दूसरी चीज आपका वेट, दो चीजें गेन हो जाएंगी। मतलब आप एक गलती करते हो तो वो गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। और थंबनेल आपने देख लिया था कि सिर्फ सोकर बढ़ाएं अपनी हाइट और अपना वजन, तो ये क्या है? थंबनेल आपने देखकर दिमाग आपका चकरा गया होगा, ठीक है। तो इसको मैं फुली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कुछ आप लोग गलतियाँ करते हो सोने के टाइम पे, तो वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है, और कैसे आपको सोना है, कैसे आपको प्रॉपर नींद मिलेगी जिससे आपकी हाइट बढ़ेगी, जिससे आपका वजन बढ़ेगा। देखो, और दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं बता दूँ कि हम लोग जो खाना खाते हैं, देखो दोस्तों बहुत कहते हैं हम लोग खाते तो बहुत कुछ है, ये भी बहुत कुछ खाता है, लेकिन इसके शरीर को लगता नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ कि सिर्फ खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाने को पचाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या खा रहे हो वो तो डिपेंड करता ही है। अब जो आप खा रहे हो क्या आपकी बॉडी को वो लग पा रहा है, मतलब कि क्या उसका पाचन अच्छे से हो पा रहा है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज मैं पूरी बात करूंगा इसी टॉपिक पर, और सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि मैं आपका दोस्त टाइगर फिजिकल एकेडमी का कोच प्रतीक रॉय, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करके घंटे वाला लेकिन दबा दें, जिससे मैं वीडियो बनाऊंगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और मेरी वीडियोज आप कंटिन्यू देखते रहोगे, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे हाइट की, ठीक है। हाइट की एक्सरसाइज की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसने नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना जाकर के, और एक्सरसाइज बता चुका हूँ, डाइट बता चुका हूँ। अब यहाँ बात करते हैं हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की, HGH के, सबको पता है ना HGH के बारे में, जिसको नहीं पता कमेंट करके बता देना मुझे। HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो आपकी बॉडी की हाइट को, आपकी बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो हम जैसे मान लो तुम जिम जाने वाले जो बंदे होंगे ना, प्रोटीन लेते हैं ना, तो प्रोटीन से क्या होता है, उनकी बॉडी गेन होती है, ठीक है। ऐसे ही समझ सकते हो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी के लिए, आपकी हाइट के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, समझ गए। अब बात करते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनना रुक जाता है या कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी हाइट रुक जाती है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्यों रुक जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन तब रुकता है जब आपकी या तो डाइट अच्छी नहीं होती है, या तो आपका सोना अच्छे से नहीं कर रहे हो, या फिर आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे पाचन तंत्र के बारे में, और पाचन तंत्र कैसे ठीक काम करेगा, कैसे ठीक नहीं काम करता है, किस वजह से नहीं करता है, और उसके ऊपर खासकर पॉइंट बात करेंगे सोने के ऊपर के। जब सोते हो तो किस तरह से आपको सोना है, किस तरह से अच्छे से सोगे, अच्छी स्लीप होगी, तो आपका खाना पचेगा क्यों, अच्छे तरीके से पचेगा, पूरी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बेडरूम में चलते हैं, बेडरूम में बंदे को सुलाएंगे, उसको सोने के पोस्चर में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो दोस्तों मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि मैं आपको सोने का तरीका बताने वाला हूं। तो सोने का तरीका क्यों बताने वाला हूं वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि दोस्तों हम लोग जो सोते हैं ना, रात को खाना खा करके सोते हैं, तो दिन में सोते होंगे बहुत सारे, दोपहर में सोते होंगे, तो मेन चीज होती है सोना, क्योंकि उसी टाइम पे हमारी पाचन तंत्र अच्छे से काम कर रहा होता है, पाचन अच्छे से पाचन क्रिया चल रही होती है। तो हम लोग कुछ गलत तरीके से सोते हैं जिससे हमारा खाना ठीक से पच नहीं पाता है, और जब तक खाना ठीक से पच नहीं पाता है तब तक शरीर को आपको लगता नहीं है ना, तो आपको प्रोटीन अच्छे से, एमिनो एसिड्स मिल पाएंगे, ना प्रोटीन मिल पाएगा, ना कार्बोहाइड्रेट मिल पाएगा, ना ग्लूकोज मिल पाएगा, जिससे आपकी बॉडी गेन नहीं होगी, आपकी मसल्स गेन नहीं होगी, और मेन चीज आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन अच्छे से नहीं बनेगा। अगर आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन अच्छे से नहीं बनेगा तो आपकी हाइट भी ग्रोथ नहीं हुई, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आपको सोओगे तो आपकी पाचन तंत्र को बेनिफिट होगा, अच्छे से काम करेगा, और खाना अच्छे से आपके शरीर को लगेगा, जिससे आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, आपकी हाइट बढ़ेगी, आपकी मसल्स गेन होगी। तो ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं, बहुत बार ने गलती क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग नॉर्मली जो सोते हो तो पीठ के बल सोते हो, ठीक है, पीठ के बल सो जाओ, रीढ़ की हड्डी पे ये सोते हो दोस्तों, ठीक है। ज्यादातर बंदे ऐसे ही सोते होंगे, ये भी ठीक है, बहुत अच्छा पोस्चर है, इसमें क्या होता है आपकी बॉडी फुली रिलैक्स होती है, ठीक है, पाचन तंत्र भी आपका अच्छे से काम कर रहा होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे बंदे सबसे बड़ी गलती जो आप करते हो, दो गलतियां करते हो, तो वो दो गलतियां मैं बताने वाला हूं। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, पेट के बल सोते हैं, तो पेट के बल सो जाओ पहले, उल्टा होके पेट के बल सो जाओ, हाँ ये ऐसे बहुत सारे बंदे क्या होते हैं, ऐसे सोते हैं, तकिया सर के नीचे फंसा लेते हैं, पेट के बल सोते हैं। ये सबसे खतरनाक पोजिशन है आपकी बॉडी के लिए, अगर आप ऐसे सोते हो तो इस चीज को भूल जाओ, आज के बाद आपको ऐसे नहीं सोना है, बता दे रहा हूं ये खतरनाक क्यों है। इसमें क्या होता है, आपका अमाशय नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है, अमाशय पे प्रेशर बढ़ता है, जो आपने खाना खा रखा होता है अमाशय में रुकता, सबसे ज्यादा खाना कहां रुकता है, अमाशय में, ठीक है, स्टोमक में।
तो वो रुका, आपका खाना जो खाया हुआ है वो यहाँ आ गया, अब नीचे आया तो ये खाना पचेगा नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा इसको पचने में, और पता लगे सुबह पचे ना तो अनपचा भोजन ही आप बाहर कर दोगे, विसर्जन कर दोगे सुबह के टाइम पे, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो खाना नहीं पचा तो आपकी बॉडी को नहीं लगा। अब ये मैंने पोजिशन बताई, इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। अब इसको बात करते हैं कि आप लोग राइट हैंड पे, मतलब जो आपका सीधा हाथ होता है वहाँ करवट लेके सोते हो तो वहाँ क्या दिक्कत आती है? सीधा हाथ पे सो जाओ करवट लेके, ये देखो ये सीधा हाथ, मतलब जिस हाथ से आप लोग लिखते हो, गेंद फेंकते हो, मतलब एक्टिव होता है, मतलब सीधा हाथ, राइट हैंड की बात कर रहा हूँ मैं। ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा खतरनाक पोजीशन है, अगर इस तरह से सोते हो तो यहाँ पर भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता है। अब मैं बताता हूँ, वो बताता हूँ क्यों, क्योंकि दोस्तों आपके आमाशय का जो आकार होता है ना वो लेफ्ट साइड की तरफ होता है, मतलब कि जो आर्च बनता है ना लेफ्ट साइड की तरफ, उसके आमाशय का आर्च बनता है। आप बहुत सारे बंदों को देखा होगा, बहुत सारे बंदों ने स्कूल वाले साइंस वाले जो बंदे होंगे उनको पता होगा कि जो स्टोमक सिस्टम होता है उसमें जो क्या बोलते हैं पाचन तंत्र होता है, जो स्टोमक होता है वो लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट थोड़ा सा आर्च बनाता है, ठीक है, जिससे वो वहाँ की तरफ झुका हुआ रहता है तो खाना उसी की तरफ ज़्यादा रुकता है। अब यहाँ क्या हो गया कि जो इस तरफ से, ठीक है, आमाशय ऐसा आ रहा है, थोड़ा कैमरामैन कहूँगा पास आके दिखाए जब समझ में आएगा, स्टोमक जो होता है ना वो ऐसा इस तरफ झुका होता है, मतलब कि यहाँ से कुछ इस तरह का बनता है उसका। अब ये हो गया अपोजिट साइड, मतलब खाना यहाँ पर रोकना चाहिए था, अब ये खाना जो है प्रेशर डाल रहा है इस तरफ से, मतलब कि यहाँ से पचेगा भी नहीं और आगे की तरफ भी नहीं बढ़ेगा, तो खाना ऐसे ही पड़ा रहेगा। आपको यहाँ एसिडिटी हो सकती है, ठीक है, एसिडिटी भी खाना पचेगा नहीं तो शरीर को नहीं लगेगा। तो ये ऐसे कभी भी नहीं सोना है, आपको राइट हैंड पे कभी भी नहीं सोना है। सोना कैसे है?